हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन। वेलकम बैक टू techplusgadgets.com। तो आज की जो ये वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जिनको फोन्स में चुल करना बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब रूम्स वगैरह डालना और अपने फोन्स के जो है टोटली रूट वूट करके फीचर्स वगैरह चेंज कर देना। तो उन लोगों के लिए स्पेशली आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि एक बहुत बड़ी सी खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो आप देखते रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली सीन ये है कि 2017 में माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा अनाउंस किया था कि अब वो कुछ ओपन लैपटॉप या फिर लैपटॉप एनीवेयर करके एक थॉट निकाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब आप विंडोज जो है अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप को छोड़ के अपने फोन्स में भी चला सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था कि वो आर्म चिपसेट, मतलब जो ARM चिपसेट को सपोर्ट करते हैं, जैसे स्नैपड्रैगन हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, स्नैपड्रैगन हुआ और बाकी के चिपसेट है, अब वो विंडोज 10 जो है फोन्स के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं जो इस चिपसेट को सपोर्ट करते हैं। स्नैपड्रैगन यूजली सारे जो फोन्स हैं वो स्नैपड्रैगन के साथ ही आते हैं, तो वो उस फोन्स में जो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं विंडोज 10 को। ऐसा उन्होंने 2017 के टाइम पे किया था। फिर उन्होंने लास्ट ईयर की बात है, उन्होंने ऐसा ओपन सोर्स कर दिया था कि आप जो है डेवलपर जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं उनकी कोड्स वगैरह विंडोज 10 को, आप अब इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब अगर वो डेवलपर अगर चाहता है विंडोज 10 की कुछ फाइल्स को यूज़ करना, तो वो यूज़ करके अपने फ़ोन में विंडोज 10 यूज़ करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा डेवलप कर सकता है। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि जो डेवलपर होते हैं, जो फ्रीलांसिंग डेवलपर होते हैं, वो उनकी जो मेंटेलिटी होती है, उनकी जो थिंकिंग होती है, वो ऑफिशियल जो डेवलपर होती है जो कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, बड़ी बड़ी कंपनीज के, उनसे 10 कदम आगे का सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा ही था और उसके कुछ दिनों बाद ही डेवलपर ने वो करके दिखा दिया। मतलब लाइक इंस्टेंटली उन्होंने एक डेमो दे दिया था। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे डेवलपर की, उसका नाम है बेस ट्रिमर करके एक डेवलपर है, वो नीदरलैंड के रहने वाले हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो उन्होंने जो है विंडोज 10 को पहले योगा बुक और वो जो लैपटॉप आते थे जो फोन के साइज में होते थे उसमें डालने की कोशिश की थी, तो उस पर तो वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुके थे। लेकिन उनका जो मेन मकसद था वो ये था कि भाई वो विंडोज जो 10 है वो फोन में आप कैसे इंस्टॉल कर सके। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। तो पहला जो फोन निकल के आया था, जो जिसका उन्होंने बिल्कुल पक्का सबूत दिया था, उन्होंने ट्विटर पे, वैसे वो ट्विटर पे एंटी अथॉरिटी नाम से है, उन्होंने ट्विटर पे बिल्कुल डाल दिया था वीडियो, जिसमें उन्होंने गूगल पिक्सल 3 एक्सल के अंदर जो है वो विंडोज 10 का जो है बूट लोडर, जो बूट होता है, एनिमेशन जो होता है, वो उसकी वीडियो जो है वो दिखा दी थी। तो भाई वो सब देख के बिल्कुल तहलका सा मच चुका था कि भाई अब ये क्या है, मतलब आप गूगल पिक्सल जो एंड्रॉइड को सपोर्ट करता है उसमें आप ऑफिशियली विंडोज 10 चला सकते हो। तो उन्होंने ऐसा बूट जो वो है बूट लोडर है वो इंस्टॉल करके दिखा था। फिर उन्होंने अभी लेटेस्ट में OnePlus 60 पे भी उन्होंने जो है इंस्टॉल करा। तो इंस्टॉल इन द सेंस कि क्रैश फाइल जो होती है जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कुछ फाइल्स मिस हो जाती है, जिसके कारण ऐसा सैड सी इमोजीज वगैरह टाइप की बनी जाती। तो उस तरीके की चीज जो है OnePlus 60 पे बनी आई, उन्होंने ऐसी इमेज डाली ऑफिशियली, जो ये इमेज है बिल्कुल रियल है, कोई ऐसा कोई फोटोशॉप वोटोशॉप का कोई सीन नहीं है, बिल्कुल रियल है। तो उसने ऐसा कहा है कि ये जो विंडोज 10 है बहुत जल्दी आप स्नैप OnePlus 60 और बाकी के जो स्नैपड्रैगन है जो 550 और जो 845 को सपोर्ट करेंगे उसमें जो है ऑफिशियली आप यूज कर सकते हैं। अब वो इसलिए ऐसा कहा है OnePlus 60 पे, इसलिए कहा कि OnePlus 60 स्नैप्टिक ड्राइवर को सपोर्ट करता है। स्नैप्टिक ड्राइवर एक्चुअली एक टच पैड है जो लैपटॉप वैपटॉप में आप देखते हो, तो वो स्नैप्टिक करके एक ब्रांड है उसका है। तो जो OnePlus 60 है, OnePlus 6 है, वो स्नैपटिक टच को सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जो विंडोज 10 है वो उसका जो टच है वो स्नैपटिक को यूज़ करता है, तो वो जो है नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं हम अपने OnePlus 60 पे, मतलब आप टच के थ्रू जो है विंडोज 10 का मज़ा ले सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी जो है वो एक ये रोम जो है, जो भी रोम होगा या कुछ भी होगा, वो अपने XDA जो उनका डेवलपर साइट है उस पर वो डालने वाले हैं। तो जैसे ही डालेंगे हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी ग्रैब करें और हमारे OnePlus 6 में जो है वो इंस्टॉल करें। मैं फिंगर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं OnePlus 6 से शूट कर रहा हूँ, तो OnePlus 6 पे इंस्टॉल करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। बहुत ही जल्दी जो है वो ड्रॉप होने वाली है लिंक, उसकी जो भी रोम होगी या कुछ भी होगा वो हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो आप वो देखने के लिए हमारी इस वीडियो को आपको सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारी वीडियो को लाइक करना होगा, ताकि आप जो वीडियो है पहले देख सकें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो किसी भी तरीके से। तो ऐसी वीडियो जो है वो मैं बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।